नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एमसी श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से चार्टिंग करके आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हो, एक्यूरेसी इम्प्रूव कर सकते हो और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन चार्ट्स का आप यूज़ करोगे वो किस तरीके के होते हैं और कौन से चार्ट होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो हमारे रिटर्निंग कस्टमर्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और किन किन विषयों पर वीडियोज़ चाहिए कि हम नए नए पैटर्न्स के बारे में, चार्टिंग के बारे में, एनालिसिस के बारे में अलग अलग वीडियोज़ बनाने वाले हैं। तो अगर आप कोई टॉपिक बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप चार्ट्स देखते हैं तो उसमें आपको अलग अलग तरीके की एनालिसिस करने को मिलती है। अब तो दोस्तों, जब हम चार्टिंग करने जाते हैं तो हमें अलग अलग चार्ट के टाइप्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मैं उनके बारे में आपको वन बाय वन बताता हूँ, जिसमें कि नंबर 5 पर है लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट में क्या होता है दोस्तों कि एक प्रॉपर लाइन प्राइस की जो टिक होती है, जो मतलब जो प्राइस मूव करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 115 रुपये पे कोई प्राइस चल रहा है और जैसे ही वो 115 से 115 रुपये 10 पैसे होता है तो वो एक पॉइंट बन जाता है और उन पॉइंट्स को चलते 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 एक लाइन ड्रॉ होती चली जाती है, उसको हम बोलते हैं लाइन चार्ट। जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं ये लाइन चार्ट का एक एग्जाम्पल है, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि किस तरीके से लाइंस जो है वो चलती हैं और किस तरीके से लाइंस फ्लक्चुएट होती हैं। ठीक है, दूसरा जो चार्ट टाइप होता है जो कि नंबर 4 पर आएगा वो है बार चार्ट। ठीक है दोस्तों, बार चार्ट में क्या होता है कि आपको एक डंडी दिखाई देती है, एक लाइन दिखाई देती है और उसमें एक लेफ्ट साइड को एक थोड़ा सा डंडी निकली होती है और एक राइट साइड को निकली होती है। ठीक है, जैसे कि आपको अभी इमेज में दिख रही होगी, तो इसमें जो लेफ्ट साइड वाली डंडी है वो है कैंडल का ओपन, यानी कि वो है उस पर्टिकुलर कैंडल का ओपनिंग प्राइस, यानी कि कितने पे वो कैंडल ओपन हुई। ठीक है, और जो सीधे हाथ की तरफ डंडी है, राइट साइड में जो डंडी आपको दिख रही है वो है क्लोजिंग प्राइस, यानी कि ये कैंडल जब क्लोज हुई तब कितना प्राइस चल रहा था। अब क्या है कि इस कैंडल को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ये चीज़ ध्यान देनी होती है जब हम एनालिसिस करते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड वाली जो डंडी है वो ऊपर है और जो राइट साइड वाली डंडी है वो नीचे है, इसका मतलब है कि मार्केट यानी कि वो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो डाउन हुआ है, यानी नीचे हुआ है। ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, इसका मतलब नीचे गया है मार्केट। और ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड वाली डंडी नीचे है और राइट साइड वाली डंडी ऊपर है तो उसका मतलब है कि मार्केट जो है वो ऊपर गया है, यानी कि वो बुलिश मोड में गया है, बाय की तरफ गया है, नीचे से ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, इस तरीके से ये बार चार्ट की एनालिसिस होती है। इसमें आप कलर्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें कोई और कलर, बुलिश कैंडल को या बेयरिश कैंडल को। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बुलिश और बेयरिश कैंडल क्या होती हैं। बुलिश कैंडल का मतलब है दोस्तों जो कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि जिसमें ओपन प्राइस नीचे है और क्लोज प्राइस ऊपर है, यानी कि जिसमें मार्केट ऊपर की साइड गई, उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। और बेयरिश कैंडल कहते हैं दोस्तों हम उस कैंडल को जिसमें मार्केट नीचे की तरफ गई होती है, यानी कि ओपन जो प्राइस है उससे नीचे क्लोज प्राइस होगा, उसको हम बेयरिश कैंडल कहते हैं। जनरली बेयरिश कैंडल का कलर हम रेड रखते हैं और बुलिश कैंडल को हम ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इससे समझने करने में बड़ी आसानी हो जाती है और चीजें आसानी से समझ में आ पाती हैं। ठीक है, नंबर 3 पर जो हम चलते हैं, नंबर 3 पर जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो है कैंडलस्टिक का। कैंडलस्टिक, जापानीज कैंडलस्टिक बोलते हैं इनको, काफ़ी सारे लोग इनको यूज़ करते हैं, या मैं कहूँ कि 80% टेक्निकल एनालिसिस करने वाले इसी चार्ट को यूज़ करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ करते हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं ये कैंडलस्टिक चार्ट का एग्जांपल है। और कैंडलस्टिक चार्ट में दोस्तों क्या होता है कि इसमें आपके 4 डिफरेंट एरियाज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है, जो सबसे ऊपर टॉप दिख रहा है उसका, वो होता है पर्टिकुलर कैंडल का हाई। ठीक है, उसके बीच में एक जो एरिया, जो आपको ये मोटी सी जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो मोटा वाला जो एरिया है इस कैंडल का, उसमें जो नीचे होता है दोस्तों वो है ओपन,
ठीक है। और जो ऊपर होता है, ऊपर जो एरिया दिख रहा है ये है क्लोज एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब मार्केट ओपन होती है, इसमें भी सेम ही होता है जैसे बार चार्ट में होता है कि अगर ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है तो कैंडल का कलर रेड हो जाएगा, और अगर ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है तो कैंडल का कलर ग्रीन हो जाएगा। और वहीं पर जो एक छोटी सी टेल ऊपर की साइड और नीचे की साइड दिख रही है, ये हमें बताती है कि ओवरऑल हाई कितना लगा है उसका और लो कितना गया है, और लो लगाने के बाद कितना तक ऊपर आया है, ठीक है, और हाई लगाने के बाद कितना नीचे आया, ये जो चीज है वो हमें कैंडल स्टिक से देखने को मिलती है। ज्यादातर लोग कैंडल स्टिक चार्ट को ही यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने में, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके अलावा नंबर टू पर जो आता है वो होता है दोस्तों हाई कैनेशी कैंडल, ठीक है। हाई कैनेशी कैंडल क्या है, वो दिखने में आपको जापानीज कैंडल स्टिक की तरह ही दिखेगी, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चीजें एडवांस होते हैं, बहुत मतलब कि वो कुछ अलग फॉर्मूला से कैंडल स्टिक बनती है उसमें। और उसमें क्या होता है कि दो पीरियड की मूविंग एवरेज के हिसाब से वो कैलकुलेशन करता है अलग, उसका ओपन निकालने का, हाई निकालने का, लो निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, तो उसकी वजह से कैंडल्स थोड़ी सी अलग दिखाई देते हैं। उसको भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं क्योंकि उसमें जब मूविंग एवरेज के हिसाब से कैलकुलेशन होते हैं तो कई बार जो गैप्स होते हैं ना वो गैप्स उसमें दिखाई नहीं देते, जैसे मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो वो चीज वहां पर उसमें फिल हो जाती है, गैप जो है फिल हो जाता है और वो आपको प्रॉपर से दिखाई देता है, उसमें गैप अप गैप डाउन जैसा रैंडम दिखाई नहीं देता। क्योंकि अभी क्या है ना, रैंडमली जब हम किसी चार्ट को देखते हैं तो उसमें मजा नहीं आता, उसको देखने में अच्छा नहीं लगता और ढंग से एनालिसिस भी नहीं हो पाती। तो कई बार क्या होता है कि हाई कैनेशी वाली कैंडल को लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हाई कैनेशी का चार्ट है, इसमें क्या है ट्रेंड वाइज होती है कई बार कि मान लीजिए आपकी बुलिश 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 चल रही है तो वो एक ही कलर दिखाएगा और फिर उसके बाद नीचे बियरिश मार्केट हो जाएगी, यानी कि जब मार्केट ऊपर की साइड एक ट्रेंड में चल रही होती है मूविंग एवरेज, वो टू पीरियड की जो मूविंग एवरेज में आपको बताया था उसके हिसाब से, तो वो क्या करता है एक ही कलर की कैंडल्स दिखाता है, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस नीचे आ जाता है तो वो कलर चेंज हो जाता है और फिर वो दूसरे कलर की चेंजेस दिखाता है, तो उससे आपको ट्रेंड वाइज ट्रेंड में बैठे रहने में बहुत आसानी होती है और आप ट्रेंड की एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली उसमें कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गया। नंबर वन पे आता है दोस्तों रेंको चार्ट, ठीक है। रेंको चार्ट का क्या फंडा है, रेंको चार्ट इन सबसे अलग है। रेंको चार्ट में हाई लो ओपन क्लोज ऐसी चार चीजें नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। अब इसका एक चीज और है, कई लोग इसको टाइम फ्रेम के साथ भी जोड़ते हैं कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, मैं आपको बताऊं कि वो जोड़ना बिल्कुल गलत है, इसका टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि इसका टाइम फ्रेम से कोई लेना देना है तो टाइम फ्रेम से रेंको चार्ट का कोई लेना देना नहीं होता। रेंको चार्ट में हम एक बॉक्स साइज डिसाइड करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए निफ्टी चल रहा है 17,000, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड किया कि अगर निफ्टी 5 पॉइंट या 10 पॉइंट, 10 पॉइंट मान लेते हैं, अगर निफ्टी 10 पॉइंट की मूवमेंट करे तो हमें एक कैंडल बना के दे दो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए निफ्टी ने 17,000 से 17,030 तक गया तो क्या करेगा, रेंको 3 कैंडल्स बबना देगा, ड्रॉ कर देगा 3 कैंडल्स अपसाइड जाते हुए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और उसके बाद मान लो वहां से मार्केट 10 पॉइंट नीचे आएगा तो एक कैंडल डाउनसाइड बनेगी, उसके बाद मार्केट अगर मान लो फिर से 30 पॉइंट ऊपर गया तो 3 कैंडल और बना देगा। इस तरीके से रेंको काम करता है। जो लोग स्पेकुलेशंस करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो लोग रेंको को इस्तेमाल करते हैं और कई अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज जो है वो रेंको पे लोग इस्तेमाल करते हैं और रेंको चार्ट को यूज करते हैं। तो जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये है रेंको का चार्ट। तो दोस्तों जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म जिस पे हम चार्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका नाम है MetaTrader 4। और MetaTrader 4 में क्या होता है दोस्तों, ना तो रेंको होता है और ना ही उसमें हाई कैनेशी एज अ चार्ट टाइप दिया हुआ है, उसमें ये दोनों चीजें हमें अलग से इंडिकेटर की तरह हम डाल के इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली उसमें जो कॉमन चार्ट्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, लाइन, बार और कैंडलस्टिक, जिसमें ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये था आपका चार्ट टाइप की किस किस तरीके के चार्ट टाइप होते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा था कैंडल क्या होती हैं, तो मैं अभी आपको चार्ट टाइप्स बता रहा था कि भाई ये चार्ट टाइप किस तरीके का होता है। अभी इसमें क्या होता है दोस्तों
कि कैंडल जो होती है, जिसको मैं अभी ये कैंडल कैंडल के फॉर्मेशन में आपको बताता हूँ, ये कैंडल जो होती हैं ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स के हिसाब से अलग अलग बनते हैं। अब कई बार लोग पूछते हैं कि किस तरीके से, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया, तो जो 5 मिनट में मार्केट ने मूवमेंट किया है, यानी कि मान लीजिए 9:15 बजे मार्केट खुली और 9:20 तक जो भी मार्केट ने मूवमेंट किया, जितना भी हाई लगाया, जितना भी लो लगाया, जितने पे खुला था या जितने पे वो 5 मिनट के बाद 9:20 पे क्लोज हुआ, वो 5 मिनट के पीरियड को जोड़ के उसका एक कैंडल बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 15 मिनट का चार्ट यूज करते हैं तो उसमें 9:15 से 9:30 बजे की जो मूवमेंट होगी, 9:15 से लेकर 9:30 की, वो 15 मिनट की मूवमेंट को जोड़ के उसके हिसाब से एक कैंडल बनाएगा। ऐसे ही अगर आप 30 मिनट यूज करेंगे तो वो 30 मिनट 9:15 से 9:45 के हिसाब से कैंडल बनाएगा, फिर 9:45 से आगे के टाइम की कैंडल बनाएगा, फिर उससे आगे की कैंडल बनाएगा। इस तरीके से एक 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 कैंडल्स आगे बढ़ती रहती हैं और एनालिसिस करते हैं हम लोग उसको यूज करके। ठीक है, अभी इन्हीं कैंडल्स में हम लोग इंडिकेटर्स भी अप्लाई करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स लगाते हैं, वो मैं आपको आने वाले अगले वीडियोस में बताऊंगा किस तरीके से इंडिकेटर लगाते हैं और किस तरीके से इंडिकेटर की एनालिसिस करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल के जो पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल और ट्रिपल कैंडल पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।